हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हमने पिछली बार जो वीडियो बनाई थी उसमें टूल्स के बारे में सवाल हुआ था, उस सवाल को जवाब हमने दिया था। नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं, आप लोग को प्यार चाहिए और सहयोग चाहिए, सहयोग से आगे बढ़ेंगे। अब हम सबका बिना सहयोग का कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए हमें आप लोगों की ज़रूरत है सहयोग का। सहयोग कीजिए, चैनल का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पिछला नेक्स्ट वीडियो में जो टूल्स की बात हुआ था, अब बिल्डिंग रेट का सवाल आया है तो उसका जवाब देंगे। ये हमारा दोस्त है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं इनका एक बार सुनिए। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि क्या क्या टूल चाहिए फायर का काम स्टार्ट करने के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमने टूल्स ले लिया, ठीक है, हमें पता चल गया क्या क्या टूल्स चाहिए, अब हमें काम करना है तो उसके बाद क्या क्या चाहिए, क्या वेल्डिंग कैसे मारेंगे, उस वेल्डिंग मारने में क्या क्या चाहिए, कौन सा पाइप लगेगा, क्या लगेगा, वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हाय गाइस, इनका सवाल ये है कि टूल्स जो पिछला बारे में हमने बताया था वो कंफर्म हो चुका है, टूल्स ले चुके हैं, आप काम शुरू करने जा रहे हैं, तो वेल्डिंग रॉड, वेल्डिंग कैसे होगा, वेल्डिंग रॉड कौन सा अप्रूवल होता है, कैसे कराया जाता है और कौन करता है। सबसे पहले हम वर्क ऑर्डर की बात करते हैं। जो हमारा वर्क ऑर्डर बनाया जाता है उसमें मेक का अप्रूवल दिया जाता है, उस मेक का हम अप्रूवल का बिल्डिंग रेट यूज कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, वो चलता है। दूसरी बात यह है कि बेल्डिंग मारने से पहले पाइप क्या है, सिक्लास के पाइप आता है, एमएस का सिक्लास कराता है, एमएस पाइप सिक्लास के पाइप रहता है, उसमें भी ग्रुप बनाते हैं और लाइन को सीधा करके टेकिंग करते हैं, टेकिंग करके रूट भर के फाइनल बेल्डिंग मारते हैं दूसरा बार में। ओके गाइज, इस दौरान इसका नेक्स्ट वीडियो हम अगला सवाल पे जवाब करेंगे और उसका जवाब देंगे। ये हमारे दोस्त थे, ये क्या कहते हैं एक बार। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए। हम लोग आपको एक एक करके फायर का हर एक क्वेश्चन मैं इनसे करूँगा और ये फायर का हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। इस तरीके से आपको फायर के बारे में फुली डिटेल पता चल जाएगा। एक बार फायर के बारे में पता चल गया तो फिर मैं प्लम्बिंग का भी क्वेश्चन करूँगा इनसे, और फिर HVAC का इस तरीके से, और फिर बाद में इलेक्ट्रिकल का भी। तो इस तरीके से पूरा MEP का क्वेश्चन कवर किया जाएगा, सारे क्वेश्चन होंगे। और अगर आप सीखना चाहते हैं MEP, आप अगर फायर का काम सीखना चाहते हैं, प्लम्बिंग का, HVAC का काम सीखना चाहते हैं, तो फुली डिटेल में मैं क्वेश्चन करूंगा इनसे और इनका जवाब देंगे। इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे और यहाँ पे ऐसे सीख जाएंगे कि आपको एक रुपये नहीं लगेगा, फ्री में शिक्षा दी जा रही है। तो धन्यवाद आज के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, प्लीज़ बाय बाय, लाइक कीजिए।